एएमसी कर रहे हो क्या आप? नहीं ए, हाँ एएमसी आदित्य बिरला अरे मैं भी डर गया, मैंने कहा ऐसा मान लीजिए कितना ऊपर कब चला गया था स्टॉक। वो एक ही बार गया था। हाँ हाँ नहीं नहीं मैं तो गलत ही चला गया था, आदित्य बिरला कैपिटल में ढूंढ रहा था ऊपर, जिंदगी कभी गया कि नहीं गया। ठीक है, आदित्य बिरला सनलाइफ लिया, लॉन्ग टर्म के लिया हुआ है जनिता मैम, है ना? यस 712 372 आधा कैपिटल वाइप आउट हो गया है। और जब लिया था तो पढ़ लिख के लिया था, ठीक है। मुझे आईपीओ में अलर्ट हो गया था। नहीं अच्छा, आईपीओ अलर्ट हो गया। तो राहुल जी दुविधा दूर करिए भाई, आईपीओ का माल था। सब कहते हैं आईपीओ में लक्की हो जाता है जिसको माल मिलता है, या तो अनलक्की मामला हो गया, आधा हो गया वैल्यू। कैसा लग रहा है आदित्य बिरला सनलाइफ, कोई होप्स या नहीं? नमस्कार जनीता जी और सभी साथियों को नमस्कार। देखिए डेफिनेटली आशीष जी, आदित्य बिरला सनलाइफ एएमसी ने जिस तरीके से लिस्ट हुआ था और वहां से लेकर अभी तक की जर्नी काफी ही दर्दनाक रही है शेयर होल्डर्स के लिए डेफिनेटली। देखिए मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये जो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड और सनलाइफ एएमसी है, ये इसका ज्वाइंट वेंचर है और ये म्यूचुअल फंड सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और साथ में रियल एस्टेट में काम करती है। और जो अभी नंबर्स आशीष जी हमने इसके क्वार्टर फोर में देखे थे, उसमें जो एएमसी का जो टोटल एईएम बैठ के आ रहा था करीबन 2.86 लाख करोड़ के आसपास था और इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो एईएम था करीबन 1.16 लाख करोड़ के आसपास था। और इन्होंने इसी फाइनेंशियल ईयर में करीबन 7 लाख नए फोलियोज भी ऐड किए, जिसके चलते करीबन इनका जो टोटल फोलियो साइज हो गया करीबन 80 लाख के आसपास हो गया है मार्च 2023 के नंबर से। और ये कंपनी जो है वो आगे आने वाले टाइम में अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए, अपने जो इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करने के लिए और जो रिटेल पेनिट्रेशन है उसको इंप्रूव करने के लिए लगी हुई है, और साथ ही में ये जो ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट्स हैं इनके जो मौजूद है उसको और एक्सपैंड करने में लगी हुई है। मेरा मानना है कि देखिए ऑलरेडी आप काफी टाइम से होल्ड कर रहे हैं जोनिता मैम, और मुझे लगता है कि अभी इन करंट पोजीशन पे आपको इसको और होल्ड करना चाहिए। आने वाले समय में आपको इसके जून क्वार्टर के भी नंबर आते हुए देखेंगे, वहां पे आप अगर इसको दोबारा रिव्यू कर सकें तो ज्यादा बेटर रहेगा। नंबर जैसे आते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमको आगे की जर्नी प्लान करना पड़ेगा। अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें मुझे लगता है कि जो टेक्निकल जो सिग्नल हमें दिख रहे हैं वो काफी वीक है, इसलिए मैं आपको अभी एवरेजिंग की भी सलाह नहीं दूंगा। मेरा मानना आप थोड़ा और वेट करें, जून क्वार्टर के नंबर देखें और फिर दोबारा से एक बार रिव्यू करें। जून क्वार्टर के रिजल्ट सामने खड़े हैं, एक बार उसको देख लें उसके बाद रिविजिट करेंगे स्टॉक को। बिलासपुर जा रहा हूं, श्रेया मैम स्क्रीन पे। श्रेया मैम गुड आफ्टरनून। श्रेया मैम आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो, क्या करते हो बिलासपुर में आप? मैम सर हम हाउसवाइफ है। हाँ। हम वन ईयर ही हुआ है शेयर मार्केट से जुड़े हुए। कैसा रहा पिछला एक साल, पैसा घर आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर अच्छा रहा। अरे वाह, और एक साल जो कोविड के सब घुसे थे उनके लिए एक साल चैलेंजिंग था लास्ट का, आपके लिए वो वही अच्छा रहा तो फिर आप बढ़िया हो गए, हाथ मंज गए आपके। श्रेया मैम पहला सवाल कौन सा? सर आर्थिक इंडस्ट्री के बारे में पूछना चाहिए। सर मैंने आर्थिक इंडस्ट्री के 50 शेयर खरीदे हैं जिसको मैंने 498 में परचेस किया, तो सर पूछना चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे रिटर्न दे सकते हैं या नहीं? बहुत तगड़ा करेक्शन, बहुत सॉलिड रेट हुआ फिर करेक्शन में है ये राहुल जी। ये जो गिर रहा है आरती इंडस्ट्रीज, ये लेवल्स के आसपास ही मेरी खरीद है भाई। ये लॉन्ग टर्म के लिए आरती इंडस्ट्रीज अच्छा स्टॉक है कि नहीं है, और ये स्तर जिसमें मैंने एंट्री करी है, मेरी एंट्री 495 पकड़ लीजिए, सही सेवन पे एंटर करा है कि नहीं करा है? नहीं आशीष जी देखिए एंट्री तो कहीं ना कहीं मैं सही कहूंगा, क्योंकि देखिए वैसे ही सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, आज भी ट्रेड कर रहा है करीबन 490 रुपए के आसपास, 488 टू बी वेरी प्रिसाइज। देखिए यहाँ पे इन मौजूदा स्तर पे टेक्निकल बेसिस पे अगर मैं बोलूं तो स्टॉक ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्शन फेस कर लिया और अब अपने सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये यहां से एक जरूर बाउंस दिखा सकता है इन करंट लेवल्स पे, तो इनको कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए इस स्टॉक से एग्जिट लेने के लिए, और उसके लिए जब भी कोई आपको उछाल मिले आरती इंडस्ट्रीज में आप डेफिनेटली वहां से एग्जिट लें, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म का डिस्कशन किया तो इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे डिविडेंड के साथ में एक अच्छी ग्रोथ दे पाएंगी। मैं उनके नाम लेता हूं, पिडलाइट इंडस्ट्रीज, दीपक राइट, लिंडे इंडिया, ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं इसी क्षेत्र से जो कि स्पेशलिटी केमिकल्स में डील करते हैं। मेरा मानना है कि उन स्टॉक्स में आप लॉन्ग टर्म बिडिंग आप अगर बेट करेंगे तो वहां पे ज्यादा आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे भाई। है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के आसपास। श्रेया मैम हो सकता है थोड़ा सा बाउंस आए चले, उस जब चले तो निकलने के मौके ढूंढिएगा, जहां भी प्रॉफिटेबल एग्जिट हो रहा हो निकलिए, और ऐसी केमिकल टाइप स्पेस में रहना है तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की बात राहुल जी ने कर रखी है उनको नजर पर रख सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर है किसी आरती इंडस्ट्रीज से। नम्रता मैम को दिखाइए स्क्रीन पे, मुंबई से नम्रता जी जोड़ती हुई। नम्रता मैम हाय गुड आफ्टरनून। Hi, आपनी मुलाकात हुई हुई है क्या? Yes. याद रहता है मुझे, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस आपने पूछ लिया ठीक हूँ। नम्रता मैम पहला सवाल कौन सा? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है बंधन बैंक। 4000 शेयर्स है एट द प्राइस ऑफ 356। लिया क्यों था, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, ट्रेडिंग वेडिंग करी थी? नहीं ये इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था। ये गड़बड़ी होता चला जा रहा है ना। हाँ लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था। और इन्वेस्टमेंट से मतलब लंबी अवधि के लिए लिया था? लंबी अवधि मतलब कितना समय रुकते हो आप आमतौर पे या रुकना चाहते हो? एक दो साल और। ठीक है ठीक है, एक दो साल का टाइम। राहुल जी बहुत दिक्कत में है ये स्टॉक, बाजार चल रहा है ये गिर रहा है, इसके क्वार्टरली अपडेट खराब आते हैं, इसके सीएफओ साहब छोड़ जाते हैं, असम में रह रहे के बाहर आ जाती है, इनके पोर्टफोलियो में दिक्कतें आ जाती हैं, क्या करूं बंधन रुकूं एक दो साल के लिए नहीं रुकूं? नहीं आशीष जी डेफिनेटली जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, और अगर हम देखें तो आज के डेट में बैंकिंग और बैंकिंग से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं वो हिस्टोरिकल बेस्ट टाइम चल रहा है उनका, और आने वाला फ्यूचर भी काफी ब्राइट लग रहा है उन क्षेत्र में। बट उसी समय पे जब हम बैंक ये बंधन बैंक को देख रहे हैं तो ट्रेंड के बिल्कुल अपोजिट जाते हुए तकरीबन फ्रेश लोज बनाने की तैयारी कर रहा है। सो मुझे लगता है कि रादर हम इसको चेज करें किसी भी रिकवरी के लिए, मुझे लगता है कि उससे बेटर है कि आप इसमें जो बेटर क्वालिटी नेम्स हैं इसी बास्केट में आप वहां पे एंटर कर सकते हैं। जैसा आपने बताया आज सीएफओ के रेजिग्नेशन के चलते स्टॉक करीबन 5-6% और फॉल किया, मुझे लगता है यहाँ पे जो टेक्निकल अभी इसकी जो वीकनेस है वो और कंटिन्यू हो सकती है। अगला जो सपोर्ट लेवल है करीबन 200
110 रुपए के आसपास प्लेस है, और अगर वो ब्रीच होता है तो मुझे लगता है और 10 से 15% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। मुझे मेरा मानना है कि आपने यहाँ पे निवेश किया है एक लॉन्ग टर्म बेट के लिए, पर आपको साथ ही में स्टॉप लॉसेस का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। आगे वाले जितने भी आप ट्रेड्स लें, सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि किसी भी तरीके का ट्रेड लें, स्टॉप लॉस को जरूर अपने सामने रख के चलें, वरना आपको इस तरीके की सिचुएशन जहां पे आपको बहुत बड़े गिरावट या लॉसेस का सामना करना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। मेरा मानना है आप इसके अलावा अगर आपके पास में दो चॉइस है मेरे हिसाब से अभी, या तो आप अभी लॉस बुक करें और दोबारा से इन्वेस्ट करें किसी अच्छे बेटर क्वालिटी नेम्स, स्पेशली फ्रॉम पीएसयू बास्केट, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा, एसबीआई, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पे आपको बेहतर और फास्ट रिकवरी आती हुई दिखेगी। नहीं तो आप जून क्वार्टर के भी रिजल्ट्स के आप अपडेट का वेट कर सकते हैं। अगर कुछ नए मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आती है और अगर वहां पे कुछ पॉजिटिव लगता है तो डेफिनेटली आप उसको फिर आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। अभी के लिए हाल फिलहाल आप होल्ड करें और जून क्वार्टर के लिए आप वेट करें, और अगर नहीं अगर आपसे अभी हो रहा है तो आप मुझे लगता है कि आप बेटर क्वालिटी नेम्स जैसा मैंने बताया बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक, इन जगह पे निवेश कर सकते हैं। क्विकली एक सवाल ले रहा हूं, समय खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। जनिता मैम अगला सवाल। सो अगेन इट इज एन आईपीओ शेयर ओनली, हेबर ना 15 शेयर एट द रेट ऑफ 815 पे मिला था, अलॉट हुआ था एक लॉट। हिरनबा इंडस्ट्रीज यार, ये नहीं नहीं नॉट दिस, हेबर ना, हेबर ना, हेबर ना, यस ये भी 2021 में इसका आईपीओ आया था। हेबरना डेटा तो कोई है क्या आपके पास? हेबरना एच स्पेलिंग क्या है मैम? एच ई आर ए एन बी ए। हां ठीक है, जो आप कहो मैं अलग कहूं, नाम में क्या रखा है? है यही राहुल जी, यही वाला जो है, इस पर व्यू क्या है? जो आईपीओ लगा सब आधा हो गया माल जी, हिरनबा इंडस्ट्रीज पोर्टफोलियो में ऐसे ही तो लॉस ही दे रहा है। और जो चलते हैं वो आईपीओ मिलते नहीं हम लोग को, किस्मत ही खराब है रिटेल की। राहुल जी क्या करें? देखिए जो स्पेस है आशीष जी, एग्रोकेमिकल स्पेस, वो काफी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, ऑल्दो काफी लाइक पोटेंशियल रखती है स्पेस, और चूंकि ये बहुत हायर लेवल से होल्ड कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि इनको अभी एवरेजिंग करनी चाहिए। मुझे लगता है अभी हमें एवरेजिंग से पहले बहुत श्योर होना जरूरी है स्पेस के अंदर। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको इनके और अनाउंसमेंट्स पे ऊपर वर्क करना चाहिए। वैसे भी अभी जितने भी रिजल्ट्स हैं क्वार्टरली वो आने वाले हैं, मुझे लगता है उनको देख के आप दोबारा रिव्यू करें। लास्ट 3 से 4 क्वार्टर में यहाँ पर परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है, प्लस वॉल्यूम्स भी स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा कम है, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा और इंतजार करके इनके नए रिव्यू जो अनाउंसमेंट आए उन पर आप जरूर गौर दें और दोबारा रिव्यू करें। श्रेया मैम अगला सवाल। सर ब्लैक लोन इंडस्ट्री के बारे में पूछना चाहिए कि वह लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है या नहीं? अगर मैंने अपने हिसाब से रिसर्च किया है ना, तो मुझे उसके फंडामेंटल, मेरे को नाम समझ में नहीं आया, ब्लैक स्टोन, ब्लैक रोज इंडस्ट्री, ये कहां से ढूंढ रहा है? ब्लैक रोज आपने स्टडी करा है? ब्लैक रोज ये स्टडी करते करते कैसे ब्लैक रोज में पहुंच गए? 139 रुपीज का जो है ना, हाँ ये यहाँ पे कैसे पहुंच गए आप? वो निफ्टी के 50, निफ्टी के 100, 500 इन सबको छोड़ के और आगे बढ़ गया क्या? अच्छा लगा फंडामेंटली या टेक्निकली क्या था? हमको अच्छा लगा, बट आपको पूछना चाहिए, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो दो बार नाम पूछा आपसे, तो मैं राहुल जी पे छोड़ देता हूँ। राहुल जी यार ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज नेम आशीष जी, और देखिए जिस तरीके से मैं अभी टेक्निकल चार्ट्स पे ही सलाह दे पाऊंगा, काफी ज्यादा गिरावट ऑलरेडी स्टॉक फेस कर चुका है और ऐसा कोई बड़े मूव्स यहाँ से मुझे नहीं लगते। वॉल्यूम्स का पार्टिसिपेशन भी काफी कम है। मेरा मानना है कि आप यहाँ से एक मतलब अगर आपको लॉन्ग टर्म का अप्रोच नहीं है तो आपको डेफिनेटली यहाँ से एग्जिट करना चाहिए। मैं एक स्टॉक के बारे में आपको बताता हूँ, आप वहाँ पे जरूर एंट्री ले सकते हैं। स्टॉक का नाम है राधिका ज्वेलटेक लिमिटेड। देखिए इसकी भी प्राइस ज्यादा बड़ी नहीं है, 36-37 रुपीज के आसपास है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी अच्छी है और जानी जाती है अपने जेन्युइन गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के लिए, और रिसेंट में इन्होंने नंबर्स भी बहुत अच्छे पोस्ट कर रखे हैं। और टेक्निकल बेस पे अगर बताऊं राधिका ज्वेलटेक के बारे में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अपर राइजिंग चैनल में ट्रैवल कर रहा है ये, और ये 39-40 रुपीज को जैसे ही क्रॉस करेगा तो वहां पे आपको बहुत अच्छे मूव्स इसमें आते हुए देखेंगे, तो आपका अच्छा पैसा भी बन सकता है। टारगेट रहेगा 55 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 31 रुपीज का राधिका ज्वेलटेक के अंदर। अब आया, सॉरी हॉटबोर्ड ही नहीं आया था, 37 में चल रहा है। राहुल जी क्या लक्ष्य रखा है आपने? सर लॉन्ग टर्म के लिए 55 रुपीज का। भाई अगर ऐसे ही छोटे स्टॉक्स में रखना है तो ये ज्यादा बेहतर कंफर्ट वाला स्टॉक है, इसमें दाव लगाएं। वो मतलब वो कौन सा था, वो ब्लैक रोज से तो निकल जाना है जी सर। ब्लैक रोज से वॉल्यूम्स का पार्टिसिपेशन नहीं है, आज भी सिर्फ मात्र 20,000 शेयरों में काम हुआ है। ठीक है, ये एक विकल्प आपकी स्क्रीन पे। चलिए इस नोट पर एक काम करा जाए, शो समेटा जाए। मैं समेट इसलिए भी रहा हूं, कुछ ही देर में एक मारुति की एमपीवी का लॉन्च होना था, उसका इंतजार कर रहा हूं। गाड़ी इमेज